मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा व्हाइट स्टोन ब्रिज। तो ये देखिए, देखो ये ब्रिटिश फिजिसिस्ट है, इन्होंने क्या बताया, एक ऐसा फोर रेजिस्टर्स का अरेंजमेंट बताया जो कि कैसे कनेक्ट होते हैं क्वाड्रिलेटरल की फॉर्म में, और इनमें से कोई भी तीन नोन है तो फोर्थ जो अननोन है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने फॉर्मूला बताया जिसको हम ड्राइव करेंगे आज। तो क्या है, देखिए मैंने लिख दिया, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ फोर रेजिस्टर्स विच इज यूज्ड टू मेजर अननोन रेजिस्टेंस। तो इनमें से एक अननोन है, तो ये चार है मान लीजिए, एक आर वन, ये आर टू, ये आर थ्री और ये आर फोर। तो अब देखिए, देखो क्या होता है इसके अंदर, जो क्वाड्रिलेटरल बना है इसके एक डायगोनल में यानी ए और सी के बीच, आप मान लीजिए अब डायग्राम यहां बनाएंगे सारा मिक्सअप हो जाएगा, इसलिए थोड़ा इधर बना देते हैं। ए और सी के बीच क्या कनेक्ट होता है, देखिए एक बैटरी। उसी तरह से जो दूसरा डायगोनल है उसके बी और डी जो पॉइंट है उनमें क्या कनेक्ट होता है, एक गैल्वेनोमीटर और दूसरा क्या, टेपिंग की। अब देखिए, देखो ये टेपिंग की जनरली क्या एक्सपेरिमेंट करने के लिए यूज करते हैं, क्योंकि मैं भी आपको समझाऊंगा हमें एक्चुअल में क्या करना होता है। देखिए पहले तो आप टेपिंग की का मतलब समझ लीजिए, एक होता है देखिए फिक्स्ड की। फिक्स्ड की क्या है, देखिए जितनी देर तक आप करंट फ्लो इसको ऑन रखेंगे करंट फ्लो होती रहेगी, ऑफ रखेंगे करंट फ्लो नहीं होगी, वो फिक्स रहती है। जैसे आपके फिक्स वाले बटन होते हैं, आप ऑन कर देंगे स्विच को तो फैन चलता रहेगा, ऑफ कर देंगे तो बंद रहेगा। एक जैसे आपके डोरबेल होती है उस तरह का ये है। तो इसमें क्या है, जितनी देर तक आप इसको टेप किए हुए रखेंगे, प्रेस किए हुए आप इसको रखेंगे, उतनी देर तक ये क्या है, सर्किट ऑन रहेगा और करंट फ्लो हो सकती है, ये अलाउ करेगा। और जैसे आप इसको हटा लेंगे तो करंट फ्लो नहीं होगी। और हमें जो रीडिंग लेनी होती है फाइनल, इसको एक्सपेरिमेंट में भी आप काम में लेंगे, उसमें आप क्या करते हैं, इसको जब आप इसको टेप करते हैं, जब स्विच सर्किट को आप क्या कर देते हैं, ऑन कर देते हैं, करंट फ्लो होने की सिचुएशन में ला देते हैं। लेकिन आपको रीडिंग कब लेनी है, आपको रीडिंग तब लेनी है कि उस सिचुएशन में भी करंट फ्लो नहीं होती, यानी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कितना होता है, जीरो। गैल्वेनोमीटर क्या है, देखिए आपने 10th क्लास में एक्सपेरिमेंट में यूज किया, गैल्वेनोमीटर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, इस तरह से जीरो मिड में होता है। फोर्थ चैप्टर में हम इसकी इसको स्ट्रक्चर और सारा वर्किंग पढ़ेंगे। तो इसमें ए दोनों तरफ पॉइंटर जा सकता है, एक डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है तो ये एक तरफ जाता है पॉइंटर, और जब करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है तो पॉइंटर दूसरी तरफ जाता है। तो ये हमें बेसिकली बताता है कि करंट फ्लो हो रही है या नहीं हो रही है और किस डायरेक्शन के अंदर करंट फ्लो हो रही है। तो जब हम इस की को प्रेस करेंगे और तब भी हमें गैल्वेनोमीटर में करंट क्या मिले, जीरो मिले, यानी आई जी लिख देता हूं मैं इसको, तो आई जी आपको क्या मिले, जीरो मिले। ये क्या कहलाती है, बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ। ये रीडिंग हमें लेनी होती है तो किस तरह से करते हैं, देखिए मैं बताता हूं आपको, बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हाइट स्टोन ब्रिज। अब देखिए, देखो इसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो जब हम फाइनल रीडिंग लेते हैं तो ये आप ध्यान रखेंगे गैल्वेनोमीटर से करंट कितनी होनी चाहिए, जीरो, उसी को बैलेंस्ड कंडीशन बोलते हैं। तो अब यहां देखिए आपने क्या किया, देखिए यहां से करंट मान लीजिए कितनी आपको मिल रही है, आई। उसके दो पार्ट हो जाएंगे, मान लीजिए इधर जो करंट जा रही है वो आई वन, इधर जो करंट जा रही है वो आई टू। ये मैंने आपको बताया फाइनल जो रीडिंग लेनी है तब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो होना चाहिए, उसको नल डिफ्लेक्शन भी बोल सकते हो। इसका मतलब यहां करंट दो पाथ से जा सकती थी, इधर से भी, लेकिन यहां हम जीरो डिफ्लेक्शन की सिचुएशन में रीडिंग लेते हैं, तो इसलिए सारी के सारी करंट कहां चली जाएगी, इधर, क्योंकि इधर तो कोई भी करंट नहीं जा रही। इसी तरह से यहां से जो करंट है उसके भी दो पाथ है, यहां से भी जा सकती है वो, इधर से भी जा सकती है, लेकिन जब आप इसको टैप करके इसको प्रेस करके गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो होती है तो रीडिंग लेते हो, तो इसका मतलब इधर करंट नहीं जा रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सारी की सारी जो करंट I2 है वो यहां से चली जाएगी। तो I के दो पार्ट हुए, वापिस ये दोनों पार्ट मिलकर आपको कितनी करंट मिलेगी यहां से I। अब हमें देखिए ये कंडीशन जो है बैलेंस्ड कंडीशन, इन चारों रेजिस्टेंस की टर्म्स में हमें एक कंडीशन निकालनी है। तो कैसे निकालते हैं उसके लिए देखिए क्या करते हैं, हम दो बार हम यहां से क्या करेंगे, दो बार हम जो किरचॉफ का लो है, वोल्टेज लो, सेकंड लो जो हमने पढ़ा उसको लगाएंगे केवीएल। और किस तरह से करते हैं देखिए, तो
एक बार ये लूप ले लेते हैं, एक बार ये लूप ले लेते हैं, यहां से आप देखिए तीन लूप बन रहे हैं, एक ये और एक ये। तो हम बारी बारी से इन दोनों लूप को ले लेते हैं, जो मैंने बताया है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी आप इनको ले सकते हो। तो इस लूप लो को लगाने के लिए मैंने डिटेल से समझाया, देखिए इससे पहले जो हमने टॉपिक किया था बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वो किरचॉफ लॉ पर था, तो आप उस वीडियो को देखिए आपने नहीं देखा है तो, क्योंकि उससे आपको बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को सोल्व करने में हेल्प मिलेगी। तो यहां देखिए मैंने बताया कि करंट इस तरह से जा रही है, करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर जाती है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। इसी तरह से करंट यहां तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यहां करंट इस तरह से तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और यहां करंट ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ये हमने बना ली। अब देखिए देखो आप क्या सिलेक्ट करते हैं, हम कोई एक पॉइंट और वापिस हमें क्लॉकवाइज चले या एंटी क्लॉकवाइज उसी पॉइंट पर आना होता है, तो मैं किस तरह से चल रहा हूं क्लॉकवाइज। तो इन लूप ए बी डी ए, इस पॉइंट का नाम डी है, तो इन लूप ए बी डी ए, जब लूप का नाम लिखते हैं तो जनरल फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर क्या होगा सेम होगा। तो अब देखिए देखो जैसे ही मैंने उसमें समझाया आपको कि जैसे ही हम चलेंगे, मैंने कहा ना एक हम वोल्टेज है जो भी आएगी उनको एड करते जाएंगे, एड कैसे करना है उनको, कैसे सम करना है उनका, अलजेब्रिक सम, पॉजिटिव और नेगेटिव को ध्यान में रखते हुए। तो हमने एक तरीका बना लिया कि हमें जो एग्जिट होने वाली है इसको क्रॉस करने के बाद जो साइन मिलेगा वो लेते जाएंगे, और वोल्टेज कितनी होगी आप ध्यान से देखेंगे कि आई वन इंटू आर वन। अब देखिए इसके अक्रॉस भी हमें लेनी होती पोटेंशियल डिफरेंस है वो, लेकिन है ही नहीं इसके अक्रॉस, क्यों नहीं है, क्योंकि करंट ही यहां फ्लो नहीं हो रही, तो इसमें करंट ही नहीं फ्लो हो रही, तो इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस कुछ नहीं मिलेगी, सीधा हम आएंगे इस दूसरे एलिमेंट के ऊपर, हम यहां से पहुंच जाएंगे। तो इसमें कितना आया देखिए, यहां से आप चले इस तरह से आप चल रहे हैं, इसको क्रॉस करने के बाद एग्जिट होने के बाद कौन सा साइन मिल रहा है, प्लस आई टू आर टू, तो ये कितना आ जाएगा जीरो। ये बताता है सेकेंड लॉ तो कि जो एक लूप है उसके अंदर जितने भी पोटेंशियल डिफरेंसेस है उनका अलजेब्रिक सम कितना होता है, जीरो होता है। तो यहां से क्या आ जाएगा देखिए आप, यहां से आ जाएगा ये आई टू आर टू इज इक्वल टू आई वन आर वन, और यहां से आई टू अपॉन आई वन जो है वो आ जाएगा आर वन अपॉन आर टू, इक्वेशन नंबर वन। हमने क्या किया देखिए, इन लूप आप लिख सकते हैं इन लूप ए बी डी ए अप्लाइंग के वी एल, जो सेकंड लॉ है उसको क्या बोलते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ, तो उसको हमने अप्लाई किया और ये हमने निकाल लिया। अब देखिए आप जिस तरह से हमने इस लूप के लिए अप्लाई किया है उसी तरह से हम इस लूप के लिए भी अप्लाई करेंगे। तो हम कर क्या रहे बेसिकली, इसको मैं साइड में लिख देता हूं, ये किसकी कंडीशन थी, बैलेंस होने की, इसको बोलते हैं कि व्हाइटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है जब इसमें से करंट फ्लो नहीं हो रही। तो इसी चीज को हमें किसकी टर्म्स में निकालना है, रेजिस्टेंस के टर्म्स में, तो वही फॉर्मूला हम ड्राइव कर रहे हैं। तो उसके लिए अब इसके बाद क्या करते हैं देखिए, जिस तरह से हमने लूप ये लिया है, अब लूप हम लेते हैं इधर से, क्या इन लूप कोई एक पॉइंट वाइज सिलेक्ट कर लेते हैं, मान लीजिए बी है, जैसे इन लूप बी सी डी बी अगेन अप्लाइंग, फिर से इसमें अप्लाई कर देते हैं हम अगेन अप्लाइंग के वी एल, इसमें फिर से अप्लाई करते हैं। तो क्या है देखिए उसी तरह से, अब यहां से वही चलने के बाद माइनस आई वन आर थ्री, फिर उसके बाद वापिस यहां से इस तरह चलना ना प्लस आई टू आर फोर इज इक्वल टू जीरो, इनके अक्रॉस कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है क्योंकि यहां जो है करंट फ्लो नहीं हो रही है। तो फिर वापिस यहां से उसी तरह से सोल्व कर लेते हैं, कितना आएगा देखिए ये आई टू आर फोर इज इक्वल टू आई वन आर थ्री, तो कितना आ जाएगा वही जैसे आई टू अपॉन आई वन यहां निकाला था, यहां भी हम निकाल लेते हैं आई टू अपॉन आई वन इज इक्वल टू आर थ्री अपॉन आर फोर, इक्वेशन नंबर टू। तो एक बार हमने इस लूप को लगाया और ये आई टू अपॉन आई वन निकाल लिया, इस लूप को लगाया फिर निकाल लिया। अब हम क्या कर देते हैं देखिए, बाई इक्वेशन वन एंड टू दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी, तो कितना आ जाएगा यहां से देखिए आर वन अपॉन आर टू इज इक्वल टू आर थ्री अपॉन आर फोर, ये आ गई इक्वेशन नंबर थ्री। तो ये जो कंडीशन है इसी को क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हाइटस्टोन ब्रिज। तो बैलेंस्ड कंडीशन कहने का मतलब क्या है कि
जब गैल्वेनोमीटर में से कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही है, तो आईजी जब जीरो है तो उसको हमने यूज करके और ये हमने रेजिस्टेंस के टर्म्स में कंडीशन निकाल ली। तो लिख देंगे आप दिस इक्वेशन, उसके बाद वहां से लिखेंगे दिस इक्वेशन इज नोन एज बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हाइटस्टोन ब्रिज। अब देखिए देखो आप इसके अंदर, तो आपको कोई आइडिया लग गया है कि इसमें से जो चार रेजिस्टेंस आपको शो हो रहे हैं, कोई भी तीन अननोन हो, सॉरी कोई भी तीन नोन हो, तो फोर्थ जो अननोन है आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जनरली क्या करते हैं, देखिए एक बार मैं मिटा रहा हूं ये, आप उतार लीजिए। तो जनरली क्या करते हैं, देखिए इन चार में से दो रेजिस्टेंस इसमें मान लीजिए आर वन और आर टू, दो तो फिक्स लेते हैं, एक आपको फाइंड आउट करना ही होता। मान लीजिए जैसे ये अननोन है तो इसको अननोन आर्म भी बोल देते हैं, और जो ये रहा एक और, इसको क्या लेते हैं वेरिएबल। क्यों, एक को तो वेरी करोगे आप, वेरी करके इसकी वो वैल्यू आप लाओगे जब आपको गैल्वेनोमीटर में करंट कितनी मिले, जीरो मिले, नल डिफ्लेक्शन आपको मिले, जीरो डिफ्लेक्शन आपको मिले। तो फिर से सुन लीजिए क्या बताया मैंने आपको, इन चार में से दो फिक्स रखते हैं, एक अननोन होता है और एक क्या रखते हैं वेरिएबल रखते हैं, ताकि हम क्या कर सकें कि उसको एडजस्ट करके जो अननोन रेजिस्टेंस है उसको फाइंड आउट कर सके। तो मान लीजिए आर फोर अननोन है, तो आप क्या लिख देंगे आप इसके बाद, आप इसके बाद लिख देंगे कि जो आर फोर है वो कितना आ जाएगा, आर वन, आर फोर आपको निकालना ना, तो कितना आ जाएगा ये आर थ्री इंटू आर टू अपॉन आर वन, तो आर फोर को आप इधर ले आएंगे और इस तरह से आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर फोर। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि जो अननोन रेजिस्टेंस है उसको फाइंड आउट आप कर सकते हैं। अब देखिए देखो कि इसके अंदर एक टर्म आती है कि जो व्हाइटस्टोन ब्रिज है उसकी सेंसिटिविटी से क्या मतलब होता है, सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है, देखिए सेंसिटिविटी ऑफ व्हाइटस्टोन ब्रिज, तो सेंसिटिविटी आप देखिए किसी भी इंस्ट्रूमेंट है उसको आप कब सेंसिटिव है, सिंपल आपसे गैल्वेनोमीटर पूछे कब सेंसिटिव आप उसको कहेंगे, सिंपल हम एक सेंसिटिविटी वर्ड को डिस्कस कर रहे हैं। तो सेंसिटिविटी मतलब तो जितनी स्मॉल करंट को ये मेजर कर पाएगा इसका मतलब उतना ही ज्यादा सेंसिटिव है। जैसे हमारी स्किन है मान लीजिए धूप के लिए सेंसिटिव है, इसका मतलब मामूली सी धूप से भी वो खराब हो सकती है, उसमें कुछ रेसेस वगैरह कुछ हो सकते हैं, तो ये सेंसिटिव का मतलब। इसी तरह से व्हाइटस्टोन ब्रिज कब सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है, जब चारों ये रेजिस्टेंस है एक सेम ऑर्डर के, तो उस टाइम क्या होगा कि मामूली सी भी आप करंट, मामूली सी भी किसी रेजिस्टेंस की वैल्यू को आप चेंज करेंगे तो करंट की तुरंत डायरेक्शन बदलेगी लेफ्ट। एक मान लीजिए आपने लगा दिया 1000 ओम का, एक 1 ओम का, 2 ओम का, 3 ओम का, मान लीजिए इस तरह से, तो तब क्या होगा कि इधर वाले दूसरे को औरों को हिलाओगे तो पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि एक आपने बहुत बड़ा लगा दिया बाकी सारे रेजिस्टेंस क्या छोटे हैं। तो जब सेम ऑर्डर के होते हैं, मतलब लगभग वैल्यू इनकी सेम होती है, तब जो ब्रिज है सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है। मामूली सी कोई भी रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करते ही करंट की वैल्यू आपको तुरंत डिफ्लेक्शन लेफ्ट टू राइट जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो आप लिख सकते हैं ब्रिज इज मोस्ट सेंसिटिव व्हेन ऑल रेजिस्टेंसेज आर ऑफ सेम ऑर्डर। दूसरी बात आप क्या करना चाहिए, देखिए जब ये बैलेंस होता है तो आप गैल्वेनोमीटर की को किसी भी आर्म में लगा दीजिए, मतलब आप बैटरी को, बैटरी जो पोटेंशियल डिफरेंस आप लिखना चाहे तो यहां से बी शो कर सकते हैं। तो जब ये बैलेंस होता है तो आप गैल्वेनोमीटर की यानी ये और ये इन दोनों को रिप्लेस कर सकते हो, एक को के लिखा है तो आप के डैश लिख दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हो, देखिए कि जब ये बैलेंस है तो आप किसी भी जो डायगोनल है उसके अंदर बैटरी और की लगा दीजिए और किसी के अंदर गैल्वेनोमीटर की लगा दीजिए, कोई भी फर्क, कोई भी आपके फर्क है वो उस रीडिंग के ऊपर नहीं आएगा। मतलब फाइनल रीडिंग जब हम लेते हैं, जो बैलेंस कंडीशन लेते हैं, वो सेम आएगी चाहे आपने इधर लगा रखे हो गैल्वेनोमीटर की और चाहे आपने इधर लगा रखे हो। तो जो ये व्हाइटस्टोन ब्रिज है देखिए, इसके ऊपर बेस्ड
कई इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, एक आपके सिलेबस में मीटर ब्रिज पहले सिलेबस में होता था, पोस्ट ऑफिस बुक जो हम नहीं पढ़ेंगे, कैरी फोस्टर ब्रिज वो नहीं पढ़ेंगे, तो मीटर ब्रिज इस पर बेस्ड हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो सबसे इसमें अच्छी बात क्या है, देखिए कि जब आप यहां से रीडिंग लेते ये इस तरह से, तो जब आपको फाइनल रीडिंग लेनी तो इधर करंट फ्लो होती नहीं है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि गैलन मीटर का रेजिस्टेंस कितना है, की है, ये भी कोई रेजिस्टेंस दे रही है, मतलब तो ये चीजें कोई भी अफेक्ट आपके एक्सपेरिमेंट को नहीं करती है। इसी तरह से नए कोई वोल्ट मीटर लगाना है, नए कोई एम मीटर लगाना है, क्योंकि वो वोल्ट मीटर एम मीटर लगाने से क्या होता है कि उनका खुद का जो रेजिस्टेंस होता है वो आपके एक्सपेरिमेंट को अफेक्ट करता है। तो इसलिए इसमें नए एम मीटर वोल्ट मीटर है, नए गैलन मीटर का कोई फर्क पड़ेगा उसके रेजिस्टेंस का, क्योंकि फाइनल जब रीडिंग आप ले रहे हैं तो इधर तो करंट जानी नहीं है, तो इसलिए ये एक अच्छा मेथड है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने का। तो सिंपल सा आपको कोई, जैसे मैं एक एग्जांपल लेकर बताता हूँ, जैसे आपको ये दे दिया, फटाफट बना देते, देखिए इसी में वैल्यूज हम ले लेते हैं, कि मान लीजिए आपको ये दे दिया कि ये कितना है, ये वाली वैल्यू 6 ओम, ये दे दिया मान लीजिए आपके पास कितना है 8 ओम, ये मान लीजिए आपके पास कितना दे दिया 12 ओम, और ये मान लीजिए कितना दे दिया 16 ओम। तो पहले तो आप देखेंगे कि और क्या किस तरह से आपसे पूछ सकते हैं, तो इसके अंदर मान लीजिए कोई आपके एक रेजिस्टेंस लगा दिया 20 ओम का, तो क्या किया देखिए, 6 ओम, 8 ओम, 12 ओम, 16 ओम और ये 20 ओम। अब आपको बोल दिया कि आप क्या फाइंड आउट करिए, आप इस अरेंजमेंट का इक्विलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कीजिए। तो पहले आप देखेंगे बैलेंस है क्या, तो बैलेंस का कैसे पता चलेगा, देखिए अभी जो कंडीशन लिखी थी मैंने मिटा दी थी, कितना था R1 upon R2 = R3 upon R4 था, तो आप क्या करेंगे R1 upon R2, देखिए 6 upon 12, R3 upon R4, 8 upon 16, तो यहां से क्या आया देखिए 2 और इधर से 2, यानी क्या है ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब कि जो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है ये क्या है, बैलेंस है। तो बैलेंस है तो इक्विलेंट फाइंड आउट करने के लिए आप इसको सीधा सा हटा सकते हैं। क्यों हटा सकते हैं, क्योंकि जब ये बैलेंस होगा तो इस डायगोनल के अंदर करंट तो जाएगी नहीं, तो करंट को जिस पाथ से जाने नहीं है, भले ही उधर 100 ओम हो, कितना हो, 1000 ओम हो, 1 ओम हो, कोई भी करंट को उससे मतलब नहीं है, जिस पाथ से उसको गुजरना ही नहीं करंट को, तो उधर कितनी भी रेजिस्टेंस हो कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं, तो सीधा आप इसको हटा सकते हैं। अब आप खुद देखेंगे ये दोनों किस ऑर्डर में आ गए बताइए, सीरीज के अंदर, और इसी तरह से ये दोनों भी किधर कैसे आ गए, सीरीज के अंदर। तो कितना आ जाएगा बता दीजिए आप फटाफट सिंपल से, सर्किट में कितना आ जाएगा यहां से बताइए, ये कितना आया दोनों सीरीज में आ गए, तो 6 + 8 यानी 14, वैसे कहें तो कितना आ जाएगा R1 + R3, इसी तरह से ये कितना आ जाएगा 12 + 16, कितना आ जाएगा यहां से 12 + 16 कितना आ जाएगा 28 ओम, वैसे कहें तो कितना आ जाएगा R2 + R4, तो ये दोनों सीरीज में और ये दोनों सीरीज में, और फिर इन दोनों का क्या लगा देंगे, पैरेलल का फॉर्मूला लगा देंगे, R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 14 × 28 / 14 + 28, अब आप सॉल्व कर लेंगे कितना आ जाएगा 28 और ये कितना आ जाएगा 42, तो ये 3 28/3 आप सॉल्व कर लेंगे इसको, उतने ओम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। और यहां से कहें इनकी टर्म्स में तो क्या फॉर्मूला बनेगा, R1 + R3 × R2 + R4, यहां से दोनों का पैरेलल का जो करना है एक्सटेंडेड टर्म्स के अंदर आपको लिखना हो तो, और इधर कितना आ जाएगा R1 + R3 + R2 + R4, तो ये करते जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट हो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए। तो इस तरह से आप एक न्यूमेरिकल आप इससे बेस्ट कर सकते हैं, और इसको आप अच्छे से कीजिए। इसमें आपको दिक्कत ही दिया है कि किरचॉफ लॉ कैसे लगाया, तो आप इससे पहले वाला वीडियो देखिए, और अब जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मीटर ब्रिज, तो आप इसको अच्छे से क्लियर कर लीजिए, और जो भी आपको डाउट रहता है आप कमेंट बॉक्स में इसको लिख दीजिए, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। थैंक यू।